नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज हम बात करेंगे फारसी शब्दों को याद करने की एक आसान सी ट्रिक। जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो एक कोरोना से संबंधित एक कहानी के रूप में आप सभी फारसी शब्दों को याद कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द फारसी शब्द हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी लाल कलर में शब्द दिख रहे हैं, वे सभी फारसी भाषा से संबंधित शब्द हैं। तो शुरू करते हैं। कोरोना काल में नशादियों में आसमानी आतिशबाजी और शोर होता है, ना ही सुर्ख रंग के खूबसूरत गुलाब और ना ही दो यार गुफ्तगू या मोर्चा करते दिखाई पड़ते हैं। बाजार, कारखाना, दरगाह, बंदरगाह, रास्ते, राहगीर सब खाक हो गए। सरकार के फरमान से हरदम बंदा अपने आप को बंदिश में महसूस करता है। इससे बचाव का रास्ता सिर्फ हमेशा होशियार रहना है। इसलिए सभी यही उम्मीद रखते हैं कि जुखाम, सीने में दर्द, कमजोरी, दमा ना हो। लोग समझते हैं कि खुदा न खास्ता अगर किसी राहगीर को पनाह देने का वायदा कर दिया, तो यह कमबख्त जख्म भी उन्हें कब्रिस्तान तक पहुंचा तबाह कर देगा। तो देखिए, यहाँ पर शादियों, आसमानी आतिशबाजी, शोर, सुर्ख, खूबसूरत गुलाब, यार गुफ्तगु, मोर्चा, बाजार, कारखाना, दरगाह, बंदरगाह, रास्ते, राहगीर, खाक, फरमान, हरदम बंदा, बंदिश, हमेशा होशियार, उम्मीद, जुखाम, सीना, कमजोरी, दमा, खुदा न ख्वास्ता, राहगीर, पनाह, वायदा, कमबख्त, जख्म, कब्रिस्तान और तबाह, ये सभी फारसी शब्द हैं। ऐसा समय आ गया, लोग बाजार में जाना, बाग बगीचे में चहलकदमी करना, गिरोह बनाकर बैठना भी बेवकूफी समझते हैं। और एक दस्तूर बड़ा लाजवाब सा लगा, दो गज वाला। इससे लोगों ने एक दूसरे से किनारा बनाना ही नेक समझा। इस जंग में कामगार, कारीगर, सौदागर, दर्जी, खानाबदोश, जमींदार तक की आमदनी और पेशे पर असर पड़ा। यहाँ तक कि तमंचा और चाकू को रखने वाले जेब कतरे भी बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि कौन अपनी जहालत से अपनी जान इस दंगल में गंवा कर अपनी ही मैयत को तैयार करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाजार, बाग, बगीचे, चहलकदमी, गिरोह, बेवकूफी, दस्तूर, लाजवाब, गज, किनारा, नेक। इसी प्रकार से कामगार, कारीगर, सौदागर, दर्जी, खानाबदोश, जमींदार, आमदनी, पेशे, तमंचा, चाकू, जेब कतरे, जहालत, जान, दंगल और मैयत, ये सभी भी फारसी भाषा के शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर भी अफसोस है कि कुछ दीवाने रंगबाज, दिलसाज, बदशक्ल, कम उम्र, कमबख्त, ईसाई और ईरानी लोग खुद को दिलेर समझकर, चश्मा लगाकर, सीना चौड़ा करके अपने जिगर का जोश दिखाते हुए इस बीमारी को तमाशा समझते हैं। उन्हें यह पता है कि यह गुलकंद, अनार, अमरूद, नीम, किशमिश, इमाम दस्ते में कुटी इसबगोल की दवा से ठीक नहीं हो रही है, फिर भी खुदकुशी करके खाक में मिलना चाहते हैं। ऐसे नाजुक हालात में तबाह होने से अच्छा घर में भी खबरदार रहना नाजायज नहीं होगा, क्योंकि बीमारी ना नर मादा में फर्क करती है, ना ही खरगोश कबूतर जैसे जानवरों में। सभी को आरजू है बेरहम आफत आहिस्ता आहिस्ता आसानी से दूर हो जाएगी, और इसके लिए हमें हमेशा खाकी पहने नेक जवानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, अफसोस, दीवाना, रंगबाज, दिलसाज, बदशक्ल, कम उम्र, कमबख्त, ईसाई, ईरानी, दिलेर, चश्मा, सीना, जो गए हमने आगे भी देखा था, चौड़ा, जिगर, जोश, तमाशा, गुलकंद, अनार, अमरूद, नीम, किशमिश, इमाम दस्ता, इसबगोल, दवा, खुदकुशी, नाजुक, तबाह, खबरदार, नाजायज, जानवर, कबूतर, खरगोश, नर, मादा, बीमारी, आरजू, बेरहम, आफत, आहिस्ता, आसानी, हमेशा, खाकी, नेक, जवान, अदा। ओके, ये सभी भी कैसे शब्द हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।